हरियाणा की होनहार बेटी कनिका ने बहुत अच्छा कर दिखाया है, जिससे सोनीपत का नाम भी अब रोशन हुआ है। हरियाणा के सोनीपत की होनहार बेटी यह कनिका है, जिन्होंने विवाहित महिलाओं की सौंदर्य प्रतियोगिता जो कि नई दिल्ली में आयोजित हुई, वहां ताज अपने सिर पर सजाने कामयाब हुई है और 12 नंबर के स्टेज पर इन्होंने चलते हुए इस ताज को भी आप देख सकते हैं कि अब जीतने में सफलता हासिल की है। बेटी बहुत खुश नजर आ रही है और जिन्होंने हरियाणा और सोनीपत का नाम रोशन किया है, आखिर वह इस खुशी पर क्या बोल रही है, यह भी आपको जरूर सुन लेना चाहिए। IIM कलकत्ता से, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से मैंने अपनी स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की पढ़ाई पूरी करी। मेरे पिताजी से मैंने आत्मनिर्भरता और मेरी माताजी से मैंने धैर्य और एकाग्रता जैसे गुण लिए। आयोजित किया गया था 10 से 12 अगस्त के बीच में और इस फिनाले के अंदर पूरे भारत भर से ही नहीं बल्कि पूरे विश्व भर से जो विवाहित महिलाएं हैं उन्होंने इसमें भाग लिया, जैसे कि कीनिया, स्विट्जरलैंड और दुबई से भी कुछ महिलाएं आई और पूरे भारत भर से 35 महिलाओं ने इसमें भाग लिया। इससे पहले मिसेज इंडिया का खिताब गोवा की जैकलिन शिंदे ने जीता था। इतना मुझे इतना अच्छा परिवार मिला और इतने सपोर्टर्स थे मेरे साथ जो कि मेरी खुशी में बहुत खुश थे। तो ये खिताब मेरा नहीं है, ये खिताब उन सभी का है जिन्होंने मुझे पूरे मन से सपोर्ट किया। लेकिन जब मैंने मिसेज इंडिया जैसे कॉन्टेस्ट में भाग लिया और यहाँ पर जब मुझे सबसे खूबसूरत भारतीय चेहरे का खिताब मिला तो मुझे ऐसा लगा मानो मेरा सपना जैसे सच हो गया हो। क्योंकि अगर मौका दिया जाए तो आजकल महिलाएं क्या कुछ नहीं कर रही हैं, किस क्षेत्र में नहीं है आप बताइए। एक पैर पे महिला, हमारी भारतीय महिला माउंट एवरेस्ट चढ़ सकती है। उदाहरण अरुणिमा सिन्हा, वो गोल्ड मेडल ला सकती है भारत के लिए ओलंपिक्स में। सानिया नेहवाल, वही महिला चंद्रयान 3 की संरचना कर सकती है। रितु कारीधाल, रॉकेट वुमेन के नाम से जिन्हें हम जानते हैं, और वही महिला राष्ट्र का संचालन कर सकती है, हमारी राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी। तो मेरा संदेश सभी को है कि हमें महिला सशक्तिकरण की ओर प्रयास करना चाहिए। मैं अपना प्रयास महिला सशक्तिकरण की ओर कर रही हूँ और इस कार्य में मैं पुरजोर तरह से लगी हुई हूँ। और जैसे कि मेरे पिताजी कहते हैं, हमारी छोरियाँ छोरों से कम है कि, तो यही मैसेज मैं पूरे हमारे देश को और समाज को देना चाहूँगी। धन्यवाद। होनहार बेटी कनिका के माता पिता अब बेहद खुश है और अपनी बेटी पर गर्व महसूस कर बताते हैं कि उनकी बेटी ने हरियाणा और सोनीपत का नाम रोशन किया है, जिससे वह भी अब बेहद खुश है। मेरी बेटी के लिए बहुत खुशी है, मैं मतलब वर्णन नहीं कर सकती, मुझे इतनी खुशी है अपनी बेटी के लिए। बचपन में भी उसका यही सपना था कि मैं कुछ बनूं और उसने बन के दिखाया। मैं यही संदेश देना चाहूंगी कि सारी बेटियां मेरी बेटी की तरह ही निकले। मेरी बेटी शुरू से ही, बचपन से ही थोड़ा सा इसका इन चीजों में इंटरेस्ट रहा है। एजुकेशन में भी अच्छी थी, उसके बाद इसने कई कंपटीशन में, कॉलेज में भी भाग लिया और उसके बाद शादी हो गई। थोड़े सपने दब से जाते हैं बच्चे के,
लेकिन अब इसने दोबारा से प्रयास किया है तो अच्छा है, बढ़िया है, मुझे खुशी है। इसने बेस्ट फेस ऑफ इंडिया का अवार्ड जीता। सच्ची लगन, मेहनत और शक्ति ताकत से अगर आगे बढ़ा जाए तो जीवन में सफलता अवश्य प्राप्त होती है। यही कनिका ने भी कर दिखाया है और अब यह महिला सशक्तिकरण को लेकर अपने जीवन में आगे कार्य कर नेति के राह पर बढ़ती चली जाएगी और महिलाओं के हित को लेकर कार्य करती रहेगी। होनहार बेटी जब अपने घर पर पहुंची तो सभी ने खुशी देखने को मिली, जिन्होंने बहुत अच्छा कर दिखाया। अब कनिका चाहती है कि वह महिला सशक्तिकरण को लेकर भविष्य में काम करती रहेगी, जिसके कार्य की सब जगह सराहना हो रही है। राजेश खत्री, सोनीपत, हरियाणा।